आज हम एक महान व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिनका नाम है ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी। हम में बसी हुई सूक्ष्म शक्ति विश्व में फैली हुई विश्व शक्ति के साथ जब जुड़ती है उसे ही ध्यान प्रक्रिया कहा जाता है। यही प्रक्रिया को लोगों को समझाने के लिए कई महान आत्माएं मनुष्य रूप धारण करके आते हैं। उनमें से एक महान आत्मा है सुभाष पत्री जी। सुभाष पत्री जी का जन्म साल 1947 11 नवंबर के दिन शक्कर नगर निजामाबाद जिला तेलंगाना राज्य में एक मध्यम वर्ग के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री वेंकट रमणा राव तथा माता जी सावित्री देवी हैं, जिनकी चौथे संतान के रूप में पुत्र सुभाष का जन्म होता है। 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने जिस आनापानसती ध्यान की खोज की थी उसी ध्यान को श्री ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी पूरे विश्व को फिर से सिखा रहे हैं। ध्यान अर्थात संसार का त्याग करके हिमालय में बसना यह नहीं है, ध्यान का अर्थात संसार में निर्वाण। संसार में रहते हुए जीवन में पत्नी व बच्चों के साथ खुशी से रहना, हमारे घर की जिम्मेदारियों को निभाना और घर में ही रहकर ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त करना, जाति व धर्म से ऊपर उठकर वह पिछले 30 सालों से पूरे विश्व के सभी लोगों को यह बता रहे हैं कि ध्यान हर कोई कर सकता है। श्री ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी को कई सारे लोगों ने सम्मानित किया है। 12 सितंबर 1997 में आंध्र प्रदेश मंत्री N.V. सुब्बा रेड्डी एवं आध्यात्मिक गुरुओं ने मिलकर सुभाष पत्री जी को ब्रह्मर्षि के नाम से सम्मानित किया था। नवंबर 2006 में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। साल 2013 में इंडियन बोर्ड ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन द्वारा ध्यान विशारद अवार्ड दिया गया था। साल 2017 में टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन द्वारा गुड कर्मा अवार्ड दिया गया था तथा 2018 में इंटरनेशनल वर्ल्ड बुक ऑफ अवार्ड में सम्मानित किया गया था। 30 सितंबर 2018 के दिन ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस में हिमालय से आए हुए कुछ गुरुओं ने उन्हें पितामह नाम से सम्मानित किया था। 2019 में लद्दाख में महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर द्वारा ग्लोबल पीस अवार्ड दिया गया था। ऐसे महान व्यक्ति के जीवन के बारे में आइए जानते हैं। सुभाष पत्री जी का बचपन। सुभाष जी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 तक शक्कर नगर में प्राप्त की थी। कक्षा 6 से 9 तक बोधन विस्तार के सरकारी पाठशाला में विद्या अभ्यास प्राप्त की थी। कक्षा 10 से 12 की शिक्षा सिकंदराबाद के महबूबा पाठशाला में पूर्ण की थी। साल 1963 से 65 के समय दौरान सिकंदराबाद के आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में BSc की शिक्षा प्राप्त की थी। इसी दौरान उनकी आध्यात्मिकता के प्रति रुचि जागृत हुई थी। इसी साल उन्होंने डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन से रचित इंडियन फिलोसॉफी का अध्ययन भी किया था। साल 1964 में उनके छोटे भाई की मृत्यु होती है। यह घटना के कारण वह बहुत ही दुखी होते हैं। यही निराशा उनके आध्यात्मिक जीवन के लिए एक नया दौर साबित होती है। साल 1966 से 70 के मध्यकाल में आंध्र प्रदेश राज्य के हैदराबाद शहर के कृषि विश्वविद्यालय में उन्होंने BSc एग्रीकल्चर की पढ़ाई की थी। इसी विश्वविद्यालय में सन 1974 में सॉइल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। सन 1969 से लेकर 1973 के समय दौरान एक और भौतिक जगत की विद्या के साथ सिविल परीक्षा के लिए सज हो रहे थे तथा दूसरी ओर अन्य आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन भी कर रहे थे। उनको आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर यह ग्रंथों में से प्राप्त होते थे। साल 1970 में तेनाली में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के तौर पर कार्यरत थे। साल 1971 से
73 के समय दौरान उन्होंने IAS की परीक्षा में भी भाग लिया था। साल 1974 में मई महीने में उनका स्वर्णमाला जी के साथ विवाह हुआ था। साल 1975 में आंध्र प्रदेश के कर्नूल में कोरोमंडल फर्टिलाइजर में असिस्टेंट सेल्स प्रमोशन ऑफिसर के तौर पर कार्यरत थे। सुभाष पत्री जी ने कर्नाटक के मशहूर संगीतकार एवं पद्मभूषण डॉक्टर श्रीपाद पिनाका पानी जी से संगीत की विद्या प्राप्त की थी। साल 1978 में सुभाष जी पिता बनते हैं। उनकी प्रथम संतान पुत्री परिणीता है। साल 1981 में 1 जनवरी के दिन सह उद्योगी श्री रामचन्ना रेड्डी सुभाष पत्री जी अपने गुरु सदानंद योगी जी से मिलते हैं। सदानंद योगी जी जिन्होंने 80 साल तक हिमालय में ध्यान साधना की थी, ये इतने महान योगी थे। इनके माध्यम से 2.5 साल तक सुभाष जी ने अनेक आध्यात्मिक सत्य से परिचित होते हैं। साल 1982 में उनको दूसरी संतान के रूप में परिमला का जन्म होता है। बहुत ही कम वक्त में दोनों पुत्रियां अपनी ध्यान साधना में अच्छी प्रगति प्राप्त करते हैं। साल 1983 के मई महीने में सदानंद योगी जी सबको अलविदा कहते हुए यह मनुष्य शरीर को त्याग करके समाधि स्थिति में प्रवेश करते हैं। सुभाष जी को साल 1984 में तेलंगाना राज्य के प्रांत में कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स में इंचार्ज के तौर पर पदवी प्राप्त होती है। साल 1990-91 में फिर से असिस्टेंट रीजनल मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर कार्यरत रहते हैं। साल 1992 में सुभाष पत्री जी अपनी नौकरी में इस्तीफा देकर तब से वे अपने पूर्ण समय को ध्यान प्रचार के कार्य में समर्पित कर रहे हैं। साल 1993 में पिता श्री रमणा राव, साल 2006 में श्रीमती सावित्री देवी अपना देह त्याग करते हैं। सुभाष पत्री जी की जीवन की इतनी सारी विशेष घटना के अलावा एक और रुचिदायक घटना है, वह यह है कि साल 1980-83 के दौरान उनमें आध्यात्मिकता के बीज बोए गए थे। सुभाष जी ने साल 1990 में आंध्र प्रदेश के कर्नूल में प्रथम बार ध्यान संघ का निर्माण किया था। यह संघ के अस्तित्व के लिए द कर्नूल पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज के नाम से पंजीकरण करवाया था। यही प्रथम बार बुद्धा पिरामिड ध्यान केंद्र का निर्माण हुआ था। थोड़े वक्त में द कर्नूल पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में परिवर्तित होकर पूरे राज्य में प्रचलित होती है। यह सब कुछ एक ध्यानी के लिए एक सुनहरा तक था। साल 2004 तक आंध्र प्रदेश के सभी प्रांतों में आनापानसती पिरामिड ध्यान के केंद्र स्थापित हो चुके थे। इस साल के दौरान 2 महीने लगातार अमेरिका में उन्होंने ध्यान का प्रचार किया था। श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ 60 देशों से ज़्यादा देशों में ध्यान प्रचार किया है। भ्रमर्षि सुभाष पत्री जी एकमात्र इंसान हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में ध्यान साधना को पिरामिड शक्ति के साथ जोड़ा है। यह पिरामिड विश्व की प्राण ऊर्जा को अधिक मात्रा में प्राप्त करके अपने अंदर संग्रहित करता है। जो भी इंसान इस तरह पिरामिड में ध्यान करेंगे उनको सामान्य से 3 गुना ज़्यादा शक्ति मिलती है। श्री सुभाष पत्री जी ने अभी तक 60 पुस्तकें लिखी हैं। विश्व के देशों के अन्य आध्यात्मिक शास्त्रों के पुस्तकों का भारतीय भाषा में अनुवाद भी करवाया है। उनके मार्गदर्शन में ध्यान जगत तेलुगु, स्पिरिचुअल इंडिया इंग्लिश, ध्यान कस्तूरी कन्नड़ा, ध्यान तमिल, ध्यान महाराष्ट्र, पिरामिड ध्यान जगत हिंदी मैगजीन्स प्रकाशित कर रहे हैं। यह मैगजीन हर महीने प्रकाशित करवाते हैं जिनके माध्यम से प्रजा में ध्यान, शाकाहार, पिरामिड शक्ति तथा आध्यात्मिक शास्त्र के बारे में जागृति बढ़ रही है। इस तरह पूर्ण भारत देश में 10,000 से ज़्यादा पिरामिड के निर्माण हुए हैं। उसी प्रकार 11 भाषाओं में YouTube पर
पिरामिड मेडिटेशन चैनल्स की शुरुआत की गई है, जैसे कि पीएमसी तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल, मराठी, हिंदी, गुजराती, पंजाबी, हरियाणवी, बंगाली, उड़िया, इंग्लिश और ग्लोबल। यह सारी पिरामिड मेडिटेशन चैनल्स यूट्यूब के द्वारा शाकाहार, पिरामिड शक्ति व आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ा रहे हैं।